मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो। आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था, मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी है, आपका मन लगाने के लिए। हम तो आपका साथ ना देने के लिए थे कि जो काम आप बोलते थे असंभव है उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। हमको तो खुशी है कि उन 17 महीनों में जो देश में किसी सरकार ने नहीं किया उसको हमारी महागठबंधन सरकार ने करने का काम। नौकरी पार्टी जो गांधी मैदान से आपने ऐलान किया था, लेकिन केकई को भी पहचानिए कौन कौन केकई बैठा हुआ है आपके पास। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है। हम इस नई सरकार के विरोध में खड़े हैं और सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगातार 9 बार उन्होंने शपथ लेकर के इतिहास रचने का काम किया और 9 बार तो लिया ही महोदय, लेकिन एक ही टर्म में 3-3 बार लिया, ऐसा अद्भुत नजारा हम लोगों ने नहीं देखा। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं इस बात को बोलते रहे हैं कि तुम मेरा बेटा जैसा हो, कई बार बोलते हैं और हम भी अपना मानते हैं, अपने गार्जियन मानते हैं। और आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं, हम आप सबके मन में तो राम है ही, शांति शांति, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, हम तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में वैसा गार्जियन मानते हैं कि भाई कई बार जो है इन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बोला आप तो यही करेगा यही आगे बढ़ेगा, तो चलिए नौजवान लोग ना आगे बढ़ेगा आगे काम करेगा, लेकिन कई बार मजबूरियां रही होंगी इनकी, जैसे दशरथ की मजबूरी थी राजा दशरथ की कि राम को जो है वनवास जो है भेज दिया गया, लेकिन उस बात को हम मानते हैं कि हम वनवास नहीं आए हैं बल्कि हमको इन्होंने भेजा है जनता के बीच उनके सुख और दुख के भागीदार बने। पहले बार ही अपने से दूर किए वो भी क्या मजबूरियां रही हमको नहीं पता, ना आपको पता, किसी को नहीं पता क्या मजबूरियां रही, लेकिन इन्होंने जब पहली बार जब दूर किया तो एक ही बात निकल के आया, क्या बात निकल के आया कि आप जो है एक्सप्लेन कर दीजिए आपके ऊपर जो है मुकदमा है केस है। जब दोबारा जब इन्होंने अपनाने का काम किया तो इन्होंने कहा कि सब बीजेपी वाला सब फंसाने का काम करता है, ईडी और सीबीआई लगा देने का काम करता है। 2020 का हम लोग चुनाव जीत करके आए, मात्र बेईमानी के बाद 12,000 का डिफरेंस था पूरे महागठबंधन और एनडीए में, आप क्यों छोड़ के आए? आपने यही बोला था ना कि हम एनडीए इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पार्टी को तोड़ा जा रहा है, हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। और आपने ये कहा था मर जाएंगे मिट जाएंगी, तो आप कहते ही रहते हैं, हमेशा लगातार ही कहते रहते हैं, उस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपने तो ये कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, ना प्रधानमंत्री बनना है ना किसी को मुख्यमंत्री बनना है, देश भर के विपक्षों को गोल बंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है, इसीलिए ना पाए थे। और आप जब गवर्नर हाउस गए महोदय मुख्यमंत्री जी, जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था, आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था, मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी है, आपका मन लगाने के लिए। हम तो आपका साथ ना देने के लिए थे कि जो काम आप बोलते थे असंभव है उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। आपने
2020 के चुनाव में क्या कहा था? अपने बाप के पास से लाएगा, जेल से पैसा लाएगा, नौकरी बांटेगा, और संभव है, क्या बोले थे? और हमने उस समय चुनाव के दौरान रोजगार पर विशेष तौर पर हमने बोला था, हमने सर्टिफिकेट अध्ययन किया, रिक्त पदे हैं इतनी इतनी हैं, उसको हम लोग जो है भरने का काम करें। उनको तो खुशी है कि उन 17 महीनों में जो देश में किसी सरकार ने नहीं किया, उसको हमारी महागठबंधन सरकार ने करने का काम किया। आप बताइए, आपको याद होगा जब आप बीजेपी को धोखा देना चाह रहे थे, हम तो नहीं आना आपके साथ आना चाहते थे, ये बात हम आपको कहे भी थे कि हम तो नहीं आना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन देश भर के सभी नेताओं का दबाव है कि भाई एक बार 2024 के चुनाव में हम लोग एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर के मोदी जी को हराने का काम करें। तब हमने क्या कहा था मुख्यमंत्री जी, याद है? विजय जी है आप भी सामने, हम कहते मुख्यमंत्री जी हम सरकार में नहीं आएंगे, हम बाहर रह करके आपको समर्थन देंगे और आपके सरकार को कोई खतरा नहीं होगा, आप चलाइए सरकार, निफिक्र होकर के चलाइए, क्योंकि हम लोगों का भी लक्ष्य है कि भाजपा को देश से भगाने का काम करें, उस सांप्रदायिक शक्तियों को जो विचारधारा है जो समाज में जहर बोने का काम करती है उसको हम लोग भगाने का काम करें। इसीलिए ना हम लोग एक साथ आए थे, और तो कोई कारण नहीं था। अब हम को बताना हम नहीं चाहते हैं कि दशरथ तो नहीं चाहते थे राम वनवास जाए, लेकिन कैकेयी जरूर चाहती थी कि राम जो है वनवास चले जाए। मुख्यमंत्री जी आप हमको बेटा कहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लंबी उम्र रहिए और जो सिलसिला आपने चलाया था उसको जरूर आगे चलाइए, उसमें हमारा समर्थन रहेगा, रोजगार बांटिए, नौकरी बांटिए, जो गांधी मैदान से आपने ऐलान किया था। लेकिन केकई को भी पहचानिए, कौन कौन केकई बैठा हुआ है आपके पास? सम्राट चौधरी जी पगड़ी पहनते हैं, फालतू अगर पहनते हैं उतारने का बात करते हैं, ये सब करो, फिल्म का शूटिंग चल रहा है महोदय, अब बांध लिए पगड़ी, चलो आओ मैदान में, अब खोलिएगा। अरे हम तो गलत बात नहीं है, सुन लो यार नवीन जी, सुनिए ना, पथ निर्माण मिल जाए बहुत कृपा होगी, आप आगे काम कीजिएगा, बचिए ना। बोलो अभी सम्राट चौधरी जी क्या क्या बोलते थे उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन सम्राट चौधरी जी के पिता भी हमारे दल में रहे हैं और उनका शब्द मुख्यमंत्री जी के लिए क्या क्या रहा है वो हम यहां नहीं बताना चाहते, आपके भी दिल में है, आपके भी कान में है, आप लोगों के भी होश में है, और पूरा बिहार बच्चा बच्चा से पूछ लीजिए कि हम कोई ऐसा दो, सुन लीजिए ना, अरे सुन तो लो भाई, किसी भी बिहार में बच्चा बच्चा से पूछ लीजिए कि क्या होने जाएगा, नीतीश जी पे भरोसा है कि नहीं है, वो क्या क्या शब्द का प्रयोग करेगी जो हम लेना नहीं चाहते। और मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है, ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो, बताइए मोदी जी के गारंटी वालों, बताओ बताइए पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे मोदी जी का गारंटी।